अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ एजुकेशन। हम देखेंगे कि मोड्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं और उनकी क्या क्या डिटेल है। देर आर थ्री मोड्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन है क्या? फॉर्मल एजुकेशन और लर्निंग यूजली टेक प्लेस इन द प्रिमिसेस ऑफ द स्कूल वेयर पर्सन में लर्न सम बेसिक अकेडमिक और ट्रेड स्किल्स। स्मॉल चिल्ड्रंस ऑफन नर्सरी और किंडरगार्टन, बट ऑफन फॉर्मली एजुकेशन बिगिंस इन एलिमेंट्री स्कूल एंड कंटिन्यूज इन सेकेंडरी स्कूल। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है और एलिमेंट्री स्कूल तक और आगे सेकेंडरी स्कूल तक जाती है, ठीक है। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज यूजुअली असोसिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी विच में ग्रांट एकेडमिक डिग्री। इट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक स्टेज और इट इज़ प्रोवाइडेड अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। द फॉर्मल एजुकेशन इज़ गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स। दे आर सपोज्ड टू बी एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। द स्टूडेंट एंड अ टीचर बोथ आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड एंगेज देमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन करना चाहते हैं तो इसमें टीचर और स्टूडेंट की दोनों की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल एजुकेशन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है क्या? फॉर्मल एजुकेशन कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मॉडल स्ट्रक्चर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ लॉज एंड नॉर्म्स प्रेजेंटिंग अ रैदर रिजिड करिकुलम एज रिगार्ड ऑब्जेक्टिव कंटेंट एंड मैथडोलॉजी। मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एजुकेशन है जिसमें रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिजियस एजुकेशन प्रोसेस, नेम सेरेमोनी रिमार्क्स, पेरेंटल एजुकेशन विच नेसेसरी इन्वॉल्व टीचर्स स्टूडेंट्स। तो इसको हमने डेफिनेशन कर लेनी है, इसका मीनिंग करना है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। फॉर्मल एजुकेशन की एग्जांपल्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी लर्निंग इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में हम जो भी लर्न करते हैं दिस इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्रीज, planned education of different syllabus subject having a proper syllabus acquired by attending the institution. तो ये हमारे पास होगी examples formal education की। Now we see characteristic of formal education. Formal education is structured hierarchically. It is planned and deliberate. ये एक planned form में होती है। Scheduled fees are paid regularly. इसमें fees जो है वो regularly pay की जाती हैं और ये एक organized system होता है। It has अ सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। द चाइल्ड इज टॉट बाय टीचर्स। स्टूडेंट्स अपने टीचर से पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल मॉडल, अप टू डेट कोर्स कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस है, लीड टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, ईजी एक्सेस टू जॉब, इंस्ट्रक्शन आर मैनेजली एंड फिजिकली ऑर्गेनाइज। मतलब ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक स्कूल के अंदर, एक इदारे के अंदर रहकर की जाती है, जैसे कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन: सम टाइम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यू टू लॉन्ग वेट फॉर एक्सपायरी ऑफ एकेडमिक सेशन टू प्रमोट द नेक्स्ट स्टेज। चांसेस ऑफ बैड हैबिट अडॉप्शन मे बी अलार्मिंग ड्यू टू द प्रेवलेंस ऑफ गुड बॉयज एंड बैड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। वेस्टेज ऑफ टाइम: सम अनप्रोफेशनल नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में कॉज द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसके हम क्या करेंगे कि थ्री या फोर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।